लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट को शातिर ठगों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि गोमती नगर विस्तार पुलिस की क्राइम टीम ने चार शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी जानकारी ADCP पूर्वी सैयद अली अब्बास ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि यह आरोपी भोले भाले लोगों को खेतों में काम करने के बहाने ले जाकर मौत का डर दिखाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करते थे और इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देकर बड़ी आसानी से पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। उन्होंने कहा कि गोमती नगर विस्तार पुलिस और क्राइम टीम ने CCTV फुटेज के माध्यम और मोबाइल BTS टावरों की मदद से चार शातिर ठगों को, जिनमें मोहम्मद सिताबी, यासीन, इरफान और सलीम है, इन चारों को गिरफ्तार किया है। देखिए, कुछ दिन पहले गोमती नगर विस्तार थाने में एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें बताया गया था एक बुजुर्ग व्यक्ति आया था, श्यामलाल, जो कि पावर कॉर्पोरेशन से रिटायर हुआ है, फोर्थ क्लास वहाँ पे कर्मी था। और उसने बताया कि कुछ लोग उसके घर पर आए, और दो लोग उसके घर पे आए प्रिसाइसली। और आने के बाद उन्होंने उससे कहा कि कहीं पर गैस पाइपलाइन फट गई है, और चूंकि वो पहले से उसने उसकी ज़मीन समतल की थी उन लोगों ने, तो ये उसके साथ चले गए। जब वो उसके साथ गए तो जाने के बाद दो व्यक्ति और आते हैं, और आने के बाद उन्होंने उसको धमकाया कि आप 10 लाख रुपए अगर नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को भी जान से मार देंगे। और इस बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था कि उसके बाद इन लोगों के इन्फ्लुएंस में वो बैंक गया, और बैंक जाने के बाद उसने 8 लाख रुपए जो उसके अकाउंट में कैश अमाउंट था उसको निकाला, और निकालने के बाद इन लोगों को दे दिया। और जब ये घटना पुलिस को रिपोर्ट हुई तो तत्काल गोमती नगर विस्तार में मुकदमा पंजीकृत हुआ, और पुलिस टीमों ने इस पर काम करना शुरू किया।